Hello guys, welcome to my channel Departure from the Usual. And after a long break, I'm here back again with real and scary stories from around the world. Guys, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब इट एंड वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा. सो लेट्स मूव ऑन टू टूडेज रियल स्टोरी. तो आज की कहानी है दो लड़कियों के बारे में, क्रिस क्रेमर्स और लिजान फ्रून. क्रिस और लिजान दोनों डच स्टूडेंट्स थी और अप्लाइड साइंसेस और कल्चरल सोशल एजुकेशन में अपनी डिग्री के बाद उन्होंने प्लान किया कि वो अब्रॉड जाएंगी और प्रिसाइजली पनामा में जाएंगी, जहाँ पर वो स्पेनिश सीखना चाहती थी क्योंकि वो वहाँ के बच्चों के साथ फ्यूचर में वॉलंटियर करना चाहती थी. उन दोनों लड़कियों ने पनामा में एक रेस्टोरेंट में 6 महीने तक काम किया और उसके बाद उनके जो भी सेविंग्स थी उनसे उन्होंने बोके नाम की जगह जाने का डिसाइड किया, जहाँ पर वो दो लोकल फैमिलीज़ के साथ स्टे कर रही थी. वहाँ रुकने का उनका मेन इंटेंशन ये था कि वो पास के बच्चों के साथ आर्ट एंड क्राफ्ट्स की वॉलंटियरिंग कर सके. क्रिस और लिजान दोनों ही नेचर लवर्स थी तो 1 अप्रैल 2014 के दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो बूके के पास की जगह पर ही एक ट्रेल में हाइक करने जाएंगी. जिस फैमिली के साथ वो दोनों लड़कियां रुकी थी उन्होंने डिसाइड किया कि वो उनके डॉग को भी अपने साथ हाइक पर लेकर जाएंगी. उन दोनों ने उस फैमिली को बताया कि वो एक दिन के अंदर अंदर वापस आ जाएंगी, मगर वापस आया तो सिर्फ उनका डॉग. अब दोनों लड़कियां गुम हो चुकी थी और उनके बारे में लेटेस्ट अपडेट सिर्फ ये थी कि उन्होंने फेसबुक पर अपनी हाइक स्टार्ट करने से पहले एक पोस्ट डाली थी जिसमें वो दोनों काफ़ी खुश और एक्साइटेड नज़र आ रही थी. जिस फैमिली के साथ वो रुकी थी जब उनका डॉग वापस घर आ गया और वो दोनों लड़कियां नहीं पहुंची, तो वो फैमिली बहुत ही चिंता में पड़ गई और उन्होंने पास की अथॉरिटीज़ को कॉल किया. पुलिस ने उस एरिया की एरियल सर्च की और साथ ही आसपास के इलाकों में भी दोनों लड़कियों को ढूंढने की कोशिश की, मगर कोई भी रिजल्ट नहीं मिला. लड़कियों को गुम हुए 4 दिन हो चुके थे और अब क्रिस और लिजान के पेरेंट्स भी बोके पहुंच चुके थे. दोनों ही लड़कियों के पेरेंट्स अपने साथ प्राइवेट डिटेक्टिव्स को भी लाए थे और उन्होंने अपनी लड़कियों के मिलने के लिए $30,000 का रिवॉर्ड भी रखा था. इसी वजह से वहाँ आसपास के लोकल्स ने भी फॉरेस्ट में उन दोनों लड़कियों को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी, मगर उन्हें भी कुछ हाथ नहीं लगा. कुछ दिन कुछ हफ्तों में बदल गए मगर क्रिस और लिजान का कुछ पता नहीं लग पाया. लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक बड़ी अजीब सी चीज़ हुई. वहाँ की एक लोकल वुमेन को वहाँ पास के रिवर से एक बैग मिला. उस वुमेन के मुताबिक वो उस रिवर के पास से हर रोज़ गुजरती थी, मगर उसे पहले वो बैग वहाँ कभी नहीं दिखा था. बैग के हालातों को देखकर साफ पता लग रहा था कि किसी ने जान पूछकर वो बैग वहाँ पर रखा है और ये मानना भी मुश्किल था कि बैग रिवर के बहाव से बहता हुआ वहाँ आया था क्योंकि बैग बिल्कुल भी गीला नहीं था. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्टेंट्स ऑफ द बैग. बैग के अंदर एक वाटर बॉटल मिली, पेयर ऑफ ग्लासेस मिले, एक कैमरा मिला, क्रिस और लिजान के अंडरगारमेंट्स मिले और उनके पासपोर्ट मिले. जब दोनों लड़कियों के मोबाइल फ़ोन्स की जांच की गई तो उसमें पता लगा कि अपनी ट्रिप के स्टार्टिंग में दोनों ही लड़कियों ने एमरजेंसी नंबर 112 और 911 पे बहुत बार कॉल्स की थी, विच आर 77 times, मगर शायद वहाँ की बैड सिग्नल्स की वजह से एक भी कॉल नहीं लग पाया और उनको कोई भी हेल्प नहीं मिल पाई. इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को पता लगा कि 5 अप्रैल के बाद लिजान के मोबाइल फ़ोन की बैटरी रन आउट हो चुकी थी और उसका फ़ोन उसके बाद यूज़ नहीं हुआ था. वहीं दूसरी तरफ क्रिस का मोबाइल फ़ोन से अब कोई भी कॉल नहीं हो रही थी, मगर उसे बार बार टर्न ऑन और टर्न ऑफ किया गया था. 6 अप्रैल के बाद क्रिस का मोबाइल फ़ोन में इनकरेक्ट पिन से उसे ऑन करने की काफ़ी कोशिशें की गई थी,
और इमरजेंसी नंबर पर भी बहुत बार कॉल्स किए गए थे। 11th अप्रैल को दोबारा से उनके फ़ोन टर्न ऑन हुए थे लगभग 10:51 AM पर, और फिर वो लास्ट टाइम टर्न ऑफ 11:56 AM को हुए थे। दोनों ही फ़ोन की एक्टिविटीज़ को देखकर पुलिस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड थी। अब कैमरा की बात करें तो उसमें भी कई स्ट्रेंज चीज़ें थी, जैसे कि काफ़ी सारी अजीब फ़ोटोज़ ली गई थी जो 8 अप्रैल की थी। 8 अप्रैल को ली गई फ़ोटोज़ में अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। फ़ोटोज़ को देखकर ऐसा लग रहा था कि आसपास के एरिया को देखने के लिए दोनों ही लड़कियां कैमरे से फ़ोटो क्लिक कर रही थी ताकि उसकी फ्लैशलाइट ऑन हो और उन्हें आसपास की चीज़ें दिख सकें। 1 अप्रैल की सभी फ़ोटोज़ बहुत ही नॉर्मल थी, लेकिन जैसे ही जैसे दिन बढ़ते रहे फ़ोटोज़ बहुत ही अजीब होती रही, जैसे कि आसपास बहुत सारे ट्रीज़ और वेजिटेशन का दिखना। बैग के डिस्कवरी के कुछ ही दिनों बाद पुलिस को फॉरेस्ट में एक स्नीकर्स का पैर मिला, और एक स्नीकर के अंदर अभी भी एक लड़की का फुट था जो कि बहुत बुरी तरीके से कटा हुआ था। साथ ही पुलिस को जंगल में 33 बोन्स भी मिले और बाकी ह्यूमन रिमेन्स भी मिले, एंड थैंक्स टू द DNA टेस्ट उसके बाद ये पता लगा कि वो बोन्स और वो रिमेन्स क्रिस और लिजैन के ही थे, जिससे अब सभी को ये पता लग चुका था कि क्रिस और लिजैन सिर्फ डिसअपियर्ड ही नहीं, अब उनकी डेथ भी हो चुकी है। इस इंसिडेंट के बाद पुलिस क्लियर एक्सप्लेनेशन देने लग गई और ये सबको बताने लग गई कि ज़रूर क्रिस और लिजैन का एक सिंपल सा एक्सीडेंट हुआ होगा और उनके बाद उन्होंने इमरजेंसी नंबर्स पर कॉल किए होंगे, लेकिन कोई भी सक्सेस नहीं मिली उनको और उसके बाद वो भूख से और थकावट से मर गए। उन्होंने ये भी अंदाज़ा लगाया कि शायद क्रिस की डेथ पहले हो चुकी थी और जिसकी वजह से लिजैन ने उसके मोबाइल फ़ोन में बार बार रॉन्ग पिन डालकर उसको ऑन करने की कोशिश की, और रात को खींची गई वो अजीब फ़ोटोज़ जिसमें सिर्फ फ्लैश नज़र आ रही थी, उससे पुलिस ने यह अंदाज़ा लगाया कि शायद फ़ोन ऑन ना होने की वजह से और रात में अंधेरे में कुछ ना दिखने की वजह से उन दोनों लड़कियों ने कैमरे की फ्लैशलाइट जलाकर आसपास की चीज़ें देखने की कोशिश की हो। मगर इस केस की बहुत सारी ऐसी अजीब चीज़ें हैं जो इसे सिर्फ एक मेयर एक्सीडेंट मानने से हमें रोकता है। जैसे कैमरे की सभी फ़ोटोज़ पर कुछ ना कुछ सीरियल नंबर्स थे, और फ़ोटो नंबर 509 वहाँ से डिलीट कर दी गई थी, और शायद ही कोई इतनी इमरजेंसी सिचुएशन में किसी फ़ोटो को डिलीट करने के बारे में सोचेगा। तो इससे तो यही पता लगता है कि शायद कोई थर्ड पर्सन था जिसने वो फ़ोटो डिलीट करी, और आखिर उस फ़ोटो में ऐसा क्या था। दूसरी स्ट्रेंज चीज़ ये हुई कि जो रिवर के पास से बैग मिला था उस पर नो डाउट क्रिस और लिजैन के फिंगरप्रिंट्स मिले थे, लेकिन साथ ही उस पर किसी अननोन के भी फिंगरप्रिंट्स थे। तो वो किसके फिंगरप्रिंट्स थे, ये मिस्ट्री आज तक अनसुलझी ही रह गई और पुलिस ने ये केस इन्वेस्टिगेट करना बंद कर दिया। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक, इस केस में कोई तीसरा भी इन्वॉल्व था या ये सिर्फ एक छोटा सा एक्सीडेंट था। मगर इस पूरे केस से ये समझ ज़रूर आता है कि अगर कभी भी किसी को भी हाइक पर जाना है तो उस जगह की पूरी डिटेल्स लिए बिना और साथ ही किसी अच्छी कंपनी को अपने साथ लिए बिना अकेले नहीं जाना चाहिए, बिकॉज वी नेवर नो अंधेरे घने जंगलों में कौन सी मुसीबत हमारा वेट कर रही है। सो आज की स्टोरी आपको कैसे लगी और आप इस स्टोरी के बारे में अपनी क्या राय देना चाहेंगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रियल स्टोरी के साथ। अंटिल देन, साइनिंग ऑफ।